आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ हरी मटर यूज़ करके बनने वाला बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी नाश्ता। और इसे आप जिसे भी खिलाओगे वो पूछेगा कि इसे कैसे बनाया, इतना मज़ेदार है ये और एकदम बढ़िया फूले फूले बनते हैं ये देखिए। तो चलिए फिर फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मटर को अच्छे से धुल के साफ़ करके ले लिया है और अब हम इसे ऐड करेंगे मिक्सर जार में। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली और अदरक का टुकड़ा, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा नाश्ते में। तो इसे हमें एकदम दरदरा इस तरीके से पीस के रेडी कर लेना है, ज़्यादा फाइन नहीं करना है। उसके बाद हम लेंगे एक पैन, पैन में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल, जीरा, और उसके बाद ऐड कर लेंगे इसमें हम वाइट तिल। वाइट तिल ज़रूर ऐड करिए इस नाश्ते में, इसका अलग ही टेस्ट आता है। और इसे 1 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप के बराबर पानी। पानी को ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम बॉईल करेंगे। जब थोड़ा सा पानी गर्म हो जाएगा तब हम ऐड कर लेंगे मटर जिसे हमने पीस के रेडी किया था और अच्छे से इसे पानी के अंदर मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर जिससे नाश्ते का कलर बढ़िया आए, और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और अच्छी तरीके से सभी चीज़ें हम मिक्स करेंगे और इसे हम हाई फ्लेम में बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें मिक्स कर दी है। अब हम ऊपर से ऐड कर लेंगे खूब सारा धनिया के पत्ते और इसे हम हाई फ्लेम में बॉईल करेंगे। तो जब इस तरीके से इसमें बॉईल आना शुरू हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे बॉईल होना शुरू हो गया है, तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चावल का आटा। आटे को ऐड करेंगे और लगातार चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। और यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और अच्छी तरीके से सभी चीज़ें मिक्स करके हम एक डो जैसा इसको बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमें मिक्स करना है। जब इस तरीके से डो जैसा बन जाएगा तब हम इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब इस तरीके से पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम हाथों को ग्रीस करेंगे और फटाफट से इसे टिक्की का शेप दे देंगे। आप चाहो तो अपने पसंद से कोई भी शेप में इस नाश्ते को बना सकते हो। मैं इस तरीके से छोटा छोटा टिक्की बना के रेडी कर रही हूँ और बस यहाँ पे फटाफट से मैंने सभी टिक्की बना के रेडी कर लिया है। अब हम इसे करेंगे डीप फ्राई। तो मीडियम टू हाई फ्लेम में हम एक एक करके ऐड करेंगे। एक बारी में जितना आ जाए उतना आप ऐड कर सकते हो। इसे हम ऐड करके 2 से 3 मिनट इसी तरीके से छोड़ देंगे। ज़्यादा इसे अल्टेंगे पलटेंगे नहीं, नहीं तो ये टूट जाएगा। 2 मिनट के बाद आप देखोगे कि एक तरफ ये बढ़िया कलर आ गया इसमें, ये देखिए। तो अब हम सभी पलट लेंगे। उसके बाद 2 मिनट हम इसे और फ्राई कर लेंगे। जब एकदम बढ़िया कलर इस तरीके से आ जाएगा, ये देखिए कितना बढ़िया फूले फूले बन रहा है हमारा नाश्ते। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा क्रिस्पी नाश्ता बन के रेडी है। तो अब हम कर लेंगे इसकी प्लेटिंग। तो ये लीजिए, फटाफट से बन के रेडी है हरे मटर का नाश्ता। तो आप इसे बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।